Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. Tomorrow, host KC is back again after a very short time in this very short vlog. Okay, currently I am all back with an examination. आज currently हम लोग का तीन third exam है. Sam 3 का. थोड़ा exhausted हूँ क्योंकि फिर again मैं भाग-भाग के ही आ रहा हूँ क्योंकि as usual मेरे को हमेशा late हो ही जाता है. तो आज का जो exam है वो basically है TOPA के related. टोपा हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं. एग्जैक्टली अगर उसको आप इलैबोरेट करोगे तो वो होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ये एक्ट डील करता है जब आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ ट्रांसफर होती है तो उसको लेके रिलेटेड जो लॉज बने हैं उसको ये सारी जो एक्ट है इसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं. काफी फास्ट बोलना पड़ता है. अगेन ये बंदे का घर है. थैंक यू इन गरीब दोस्तों को यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देने के लिए जगह देने के लिए हमारे पास एग्जाम के लिए. और करंटली अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है एग्जामिनेशन को. मतलब अभी एग्जामिनेशन है हम लोग का 2 बजे और अभी बज रहा है 1:57 o'clock. हाँ 1:57 ऐसा बज रहा है. तो करंटली 2 से 3 मिनट है मेरे पास. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शूट अ व्लॉग because I wanted to shoot this vlog and also I wanted to talk about time के बारे में. तो मैं बात करूँगा लेकिन अभी मेरे पास खुद के पास time नहीं है क्योंकि मेरा examination है. तो examination को देते हैं और उसके बाद बात करते हैं. basically हमारा जो examination है वो 2 parts में divided है. first के अंदर है हम लोग का subjective MCQ है. MCQ हम लोग का कितने mark का हम लोग का MCQ 30 mark है. हाँ हम लोग का 30 mark का MCQ है और 30 mark के MCQ के बाद में हम लोग को आधे घंटे का ब्रेक मिलता है और आधे घंटे के ब्रेक के बाद में हम लोग का अगेन फिर से 30 mark का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. टोटल 10 questions हम लोग को मिलते हैं और उन 10 questions को पर क्वेश्चन में अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 mark के 1 question रहते हैं. तो लेट्स डू द एग्जामिनेशन एंड देन आई विल रिज्यूम बैक विद दिस वीडियो. एंड ऑल्सो मेरे जिम का आज वर्कआउट भी बाकी है और ये बंदा वो मेरा दोस्त है जो इसने अभी मैंने बताया था करंटली जिम ज्वाइन किया है. और आज और पागल होंगे क्योंकि थोड़ा सा वर्कआउट में हल्का सा चेंज आएगा. क्या चलो लेट्स गेट बैक टू द एग्जाम. वी आर बैक. हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया. ऑलमोस्ट 3 घंटा हो गया. 4 बजे एग्जाम खत्म हुआ था एंड दिस करंटली 7 o'clock एंड हम लोग दोनों को वर्कआउट करना है. मी एंड दिस गाय सेल्फ विद गुप्ता. अब इस बंदे का तो बेसिक्स ही चल रहा है क्योंकि इसको ज्वाइन करके 2 दिन हुए एंड दिस इज द 3rd day और मेरा लेग वर्कआउट दोनों ही काफ़ी टफ होगा. स्टार्टिंग करेंगे फुल बॉडी वार्मअप के साथ में एंड देन वी विल गो ऑफ विद आवर रूटीन. एक्चुअली बताना चाहूँगा जिम में आते हुए मेरे को तो वापस से मतलब न्यू कमर कैसा होता है ना वापस आना है ट्रेन में फिर बोरी है. लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग इनिशिएट करें अपने हेल्थ का ध्यान रखें. हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ऑल द बेस्ट. चलो लेट्स गेट बैक टू. फाइनली डन विद माई लेग वर्कआउट. जब लेग वर्कआउट का जब दिन होता है ना तभी काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लेग वर्कआउट करने के बाद जब लेग के अंदर और काफ्स के अंदर जब पंप आता है ना तो घर की सीढ़ियां चढ़ना बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है. और वापस से घर के अंदर आया और घर के अंदर आने के बाद फिर से स्ट्रेच करूंगा क्योंकि फिर के मसल के अंदर जो टाइटनेस है वो अभी भी मेरे को फील हो रहा है और मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को अनवॉन्टेड पेन कल आए. और क्योंकि कल भी थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल है और कल भी थोड़ा बहुत इधर उधर जाना है तो आई विल रियली डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन माई लेग और पेन इन माई लेग विच मे कॉज डिफिकल्टी इन माई वर्किंग टूमोरो. और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम और एक्स्ट्रा बर्बाद हो. जैसे मैंने बताया था आपको टाइम के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. तो टाइम के बारे में मेरे को ये बात करनी थी. मैंने एक वीडियो देखा मिस्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हु इज मिस्टर ओलंपियन बॉडी बिल्डर एंड हु इज ऑल्सो मेयर ऑफ यूनाइटेड. अभी तो वो करंटली मेयर नहीं है बट देयर वॉज अ टाइम के वो मेयर थे. तो उन्होंने अपने स्पीच के अंदर ये बताया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. और अगर एग्जैक्टली उनके वर्ड्स के अंदर बोलूं तो यू विल हैव टू वर्क योर एस ऑफ या फिर यू हैव टू वर्क योर बट ऑफ टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग. उन्होंने ये बताया कि वो 6 घंटे की स्लीप लेने के बाद में क्योंकि वो रशियन थे वो एक एक्सेंट रिमूवल क्लासेस जाते थे प्लस वो 4 घंटे का वर्कआउट करते थे प्लस वो
उनके कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम करते थे, जो उनका 6 घंटे का होता था। और उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास एक एक्स्ट्रा बहाना है कि आप अपने हेल्थ पे या फिर आपको जो करना है वो स्किल पे फोकस नहीं कर सकते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। करंटली आई विल ऑल्सो नॉट से कि मैं सक्सेसफुल हूं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं एक बेटर वर्जन बन पाऊं खुद का। तो यही मेरे को बताना था इसके बारे में कि मैंने वीडियो देखा, मेरे को बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। तो अगर आपके पास भी टाइम है तो आप भी वो वीडियो को जाकर देख सकते हो, इट विल रियली हेल्प यू। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के अंदर। So this is all what I had to say. Bye bye and take care.